ये तीन हमारे साथी हैं जो लाल पगड़ी में है और लाल रंग बहुत अट्रैक्ट करता है और बहुत देर से मतलब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। सो कहाँ से हैं आप? दिल्ली टीम से हैं? पंजाबी, पंजाब का नाम रोशन करते हो। चलो आपका स्वागत है मंच पे। एक इनको सुनते हैं, थोड़ा ताली हो जाए। बहुत जबरदस्त डांस कर रहे थे। अरे गाना देख के बजाओ। ओहो ये देखो, मोस्ट डैशिंग, मोस्ट हैंडसम। माइक दो, माइक। दोस्तों नमस्कार, नाम त्रिविंदर सिंह है और उत्तर प्रदेश अमरोहा से बिलोंग करता हूं। थोड़ा सांस फूल है जी। बहुत कुछ सीखा है, क्यों मुझे नहीं पता था कि नेटवर्किंग क्या होती है। मैं पहले गुरुद्वारे में जॉब करता था, मेरे गुरु कुलविंदर सर के माध्यम से जानकारी मिली थी जी। आज इतना कुछ यहाँ से सीख पाया हूँ, क्यों एक साल हो चुका है मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है, आज फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और ये विश्वास दिलाता हूँ इस एलडीपी में इतना कुछ सीख चुका हूँ, आने वाले समय के अंदर जैसे अभी अंगद की बात हो रही थी, हनुमान जी की बात हो रही थी, ये टाइगर विश्वास दिलाता है आने वाले समय के अंदर इतिहास रचने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है सरदार हमेशा इतिहास रचते हैं, इतिहास रचेंगे। यस, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। नाम कुलविंदर सिंह है, बेसिकली उत्तराखंड का रहने वाला हूं। और दोस्तों एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूंगा, इतने बड़े मंच पे आज मुझे बोलने का मौका मिला है। और विजयपाल सर जी की एक बात मैंने सुनी थी कि आपको अगर बनना ही है ना तो अपने अपलाइन का प्राउड बनिए, कि उनको हमेशा आपके ऊपर फख्र हो। कैसे? जैसे एक बाप को होता है अपने बेटे पे, अगर एक बेटे पे बाप को फख्र ना हो ना तो वो बेटा किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों मैंने मेरे ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन महागुरु जी मिस्टर सूरज सिंह के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था। और एक पर्सनल बात कि पिछले 5 महीने से मैंने सिस्टम को छोड़ दिया था, कुछ कंडीशन ऐसी रही, सिस्टम ऐसा रहा, परिस्थितियां ऐसी रही कि हमने काम नहीं किया। मैंने और मेरे सर ने 5 महीने कंटिन्यू हमने काम नहीं किया और गुरुजी 5 महीने बाद डायरेक्ट एलडीपी में आने का मुझे मौका मिला मेरे ग्रेट गुरुजी मिस्टर सुधीर सर जी, हरी सर जी, बत्तू सर जी और पंकज सर जी के माध्यम से। और आज मैं गुरुजी कमिटमेंट करता हूँ यहाँ पे, जब तक मैं हूँ, जब तक मेरी जान के अंदर जान है, सिर्फ और सिर्फ शेप शॉप में ही काम करना है, सिर्फ शेप शॉप में। बहुत बढ़िया। और रुके रहिए सर, रुको रुको, यहीं से एक आवाज, बुलंद आवाज हमें सुनने के लिए मिलती है कि चिड़िया नाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1,25,000 ते एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। बोले सोने हारे शास्त्रीय का। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप कुछ और बोलना चाहते हैं? सर एक बात और बोलना मेरी, तो यहाँ बैठ के आज क्लियर होगी, मेरे माइंड में यही था भी एक सेंटर तो सेट हो गया अपना, भाई महागुरु जी के डायरेक्ट टच में है और मुझे वहाँ काम करने की जरूरत ही नहीं है अब। हाँ तो सर ये माइंड सेट करके आया था मैं कि मेरे ग्रेट लीडर हैं त्रिविंदर जी, शिव कुमार जी आज यहाँ आए हुए हैं, वो संभाल रहे हैं, मैं सिर्फ अपने चेक सेंटर पे काम करूंगा। लेकिन गुरुजी आज आपको सुना यहाँ पे और आपने बताया कि अगर आप दमदार हो तो आप कहीं भी काम कर सकते हो, चला सकते हो, तो वहां बैठे बैठे एक बात मन में आई कि मेरा चेक सेंटर चले या ना चले, लेकिन मैं अपना 100% त्रिविंदर जी को जरूर दूंगा,
जो लैग मेरी फास्ट है वेरी गुड, मैं अपना 100% जरूर दूंगा गुरु जी। ग्रेट, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू सर, शाबाश। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, थैंक यू सर। सबसे पहले तो इतने बड़े मंच पर बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया सर। सर नाम सूरज सिंह है और रहने वाला बेसिकली मैं यूपी मेरठ से बिलोंग करता हूँ और पांडव नगरी हस्तनापुर से बिलोंग करता हूँ। और सर दिल्ली में रहकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया पार्ट टाइम, जैसे कि कुलविंदर जी ने बताया कि 5 महीने से सर एब्सेंट था मैं, लेकिन अपने अपलाइनों का सर मैं प्राउड था और शायद मेरे जैसा अंगद कोई बना भी होगा। क्यों? क्योंकि सर मैंने कुछ नहीं देखा और रात दिन काम किया और जो कम से कम समय में लेवल मैंने अचीव करके दिखाए, टारगेट पे टारगेट निकाले यहाँ से सर, लेकिन किस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइनों का, उसमें से अमरजीत सर हैं, गुरमुख सर हैं, ग्रेट मेरे अपलाइन मिस्टर सुधीर सर, बसंत सर, हरी सर, संदेश सर और मिस्टर बत्तू सर, और सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर पंकज सर का जी, क्योंकि सर 31 जनवरी लास्ट रात को 12 बजे सर मेरे को यहाँ आना डिसाइड हुआ है सर, 31 और 1 फरवरी की LDP दी, तो सर ने बोला एक बार चलो टाइगर साहब, मैंने कहा सर आपने बोल दिया डन, लेकिन सर एक कमिटमेंट यहाँ से मैं करके जा रहा हूँ सर, आज इतना बड़ा सर कारवा खड़ा करके दिखा देंगे ना हम, इतना बड़ा कारवा करके कर दिखा देंगे यहाँ से कि रियल में यहाँ पर सर सारी पगड़ियाँ नजर आएंगी आपको। सर सबसे ज़्यादा थैंक्स आप लोगों का सर, और हमेशा सर आप लोगों की ट्रेनिंग लेकर यहाँ तक पहुँच पाए, और बस सर इसी तरीके से अपलाइनों का आशीर्वाद बना रहेगा और सर बहुत बड़ा कारवा रच के दिखाएंगे, और ये सर यहाँ से जाने के बाद पता चलेगा कि वाकई में काम किया या नहीं किया सर। और थैंक यू सर, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, विजन इतना ज़्यादा क्लियर हो चुका है कि रियल में आप पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं है सर हम, चाहे वो अंगद की बात हो, चाहे हनुमान जी वाली बात हो सर, चाहे आपने सारा सर वो 4 करोड़ वाली बात बता दी 10 साल वाली। तो सर थैंक यू, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला यहाँ से, और सर जो बोल रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे सर, ये कमिटमेंट है सर सूरज सिंह का सर, थैंक यू। ग्रेट, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, बहुत ग्रेट, एक ताली हो जाना चाहिए सर के लिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू इतना मान सम्मान देने के लिए, मैं इस लायक नहीं हूँ। हाँ जरूर, मैंने भंगड़ा सीखा जरूर था कॉलेज की टीम में, तो वही प्रैक्टिस आज तक जारी है, जब भी बात शादी ब्याह में मौका मिलता है तो सर। और लेकिन हमारे सारे टाइगर हैं 16, 18, 20 साल वालों को सबको आपने क्रॉस कर दिया, बहुत जोश जज्बा आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेट, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर। सेफ शॉप जैसा प्लेटफॉर्म हमें मिला ये हमारा सौभाग्य है, क्यों हम आज तक घूम रहे थे अकेले और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिस पर चलकर हम इतने सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर सकें। सर घर में मतलब खुशहाली है, भगवान की दया से रेंटल इनकम भी आती है, बच्चे दोनों बाहर हैं मेरे आउट ऑफ इंडिया सेटल हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया ये सोचकर कि मुझे ज़रूरत नहीं है, पर मेरे बहुत से ऐसे दोस्त, बहुत से ऐसे मेरे रिश्तेदार, बहुत से मेरे आस पड़ोस में रहने वाले लोग, उनको ज़रूरत है इस बिज़नेस की, और वही एक माध्यम है जिसके जरिए मैं उनको भी करोड़पति बना सकता हूँ। खड़े होके ताली होने चाहिए सर के लिए, सम्मान में, रिस्पेक्ट पर। ग्रेट अपलाइन बतूराम सर, विनोद सर, प्रताप सर और पंकज सर, हमारे अमरजीत सर, ब्रिजमोहन सर, जिनके सानिध्य में हमें काम करने का मौका मिला है और समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू। ज्वाइन किया था यहाँ पर, तो ज्वाइन करते कहते ना कोई तिल्ली लगा जाता है, मुझे एक मेरा एयरपोर्ट का ही साथी था, उसने मुझे बोला कि अरे सरदारों के बस का काम नहीं है, कहाँ फंस गया तू। तो दोस्तों मैंने उसको बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था, मैंने कहा एक दिन इतने सरदार भरूंगा ना कि तू गिन नहीं पाएगा। और दोस्तों बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आज 2200 की मेरी टीम है, उसमें से 1400 सरदारों की टीम है दोस्तों। अरे वाह,
और दूसरी बात मैं अपनी एक कन्फेस करना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा सर, कल जैसा कि मैं ट्रेनिंग जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बहुत भरा हुआ आया था कि मुझे तो सब कुछ आता है, और एयरपोर्ट पे जैसे कि मैं जॉब करता हूँ वर्ल्ड के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे मैंने ट्रेनिंग भी ली थी, तो कल जब यहाँ आके बैठा तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने ट्रेनिंग ली क्या थी, मुझे तो एम्प्लॉय बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे एम्प्लॉय नौकर बन के मुझे काम करना है। कल मुझे पहली बार ये बात पता लगी कि एम्प्लॉय नहीं राजा बन के कैसे काम किया जाता है। दोस्तों राजा बन के कैसे काम किया जाता है, तो इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक तो थोड़ा अपना दिमाग चला रहे थे, सिस्टम के साथ तो सर लगातार लगे हुए थे, बट अब कमिटमेंट करता हूँ सर, अब पूरा जी जान से लग के काम करेंगे सर और एक इतिहास लिख के दिखाएंगे। थैंक यू। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश। मेरा नमस्कार। मैं देख रहा था जब एक दूसरे के लिए सभी लोग आए थे हाथ पकड़ने के लिए, थामने के लिए, तो फिर सभी ने मिल के आपको सर को उठा लिया कंधों पर, है तो बहुत प्यार, बहुत दुलार, और एक दूसरे के लिए भावना, समर्पण, सब कुछ दिखाई दे रहा था, आप सब में भी दिखाई दे रहा था, तो मैंने अप्रिशिएट भी किया था उस समय पर जी। और वैसे मेरा पासपोर्ट वीज़ा टिकटिंग का काम है दोस्तों। इस बिजनेस में जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उसी दिन से ठान के किया था कि डायमंड से कम तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और मेरी अपलाइन सारी जानती हैं कि आज तक कभी भी मैं नेगेटिव नहीं हुआ, चाहे मेरा बिजनेस चला नहीं चला, और लोग कहते हैं कि मेरी टीम के नीचे एक बंदा डाल दो। दोस्तों जहां मुझे ज्वाइन कराया गया था मैं बिल्कुल डेड लाइन में था अपनी अपलाइनों के, मुझे बाद में पता चला, लेकिन उस डेड लाइन को आज पावर लाइन बनाकर रख दिया दोस्तों। अरे वाह, ये है दमदार मामला। और मैं सेफ शॉप नहीं करूंगा ये कभी मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, आज उनको भी बता रहा हूं कि मैं सेफ शॉप छोड़ दूंगा, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, ये मेरा कमिटमेंट है यहां पे। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, नाम मेरा अमृत सिंह है और मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं और पीछे सेल्फ एम्प्लॉयड का बेटा हूं मैं, मेरे फादर साहब बिजनेसमैन हैं जी। तो दोस्तों इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मैं कुछ ढूंढ ही रहा था कि मेरे को कुछ बहुत बड़ा मिले, लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता था मैं, तो मेरे को अमरजीत सर के माध्यम से और बत्तू सर के माध्यम से जानकारी मिली, और वो भी प्रताप सर के घर में, और उस दिन मेरे को उम्मीद पैदा हुई कि बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। शुरुआत की बहुत सारी दिक्कत आई और अभी तक बहुत सारी आई हैं और उसको झेलते हुए निकलता जा रहा हूँ दोस्तों। तो इस मीटिंग को लेने के बाद, एलडीपी को लेने के बाद, सर के माध्यम से लेने को मिला, विजयपाल सर की वीडियो सुनते हैं, सत्येंद्र सर की दिशा ली है, अजय सर को भी सुनते हैं हम, तो मोटिवेशन तो मिलता था। आज तक सर जो ये ट्रेनिंग रही है बहुत ही सुपर, मतलब मेरे लिए वर्ड नहीं है कोई सर इसके लिए, आपने सर विजन खोल के रख दिया। तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर, जो आपने बताया ना सर, एक एम्प्लॉयड से यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेसमैन क्या होता है सर, बहुत बड़ी आंखें खोल दिया आपने, यानी कि सर 10 साल के अंदर 4 करोड़ या 40-45-50 साल, क्योंकि एक सेल्फ एम्प्लॉयड जो है ना तब तक काम करता है जब तक वो उसकी शरीर में जान है। तो सर आपने सर वास्तव में सर वो FM का पार्ट है एक तरीके का, उसको इतना सर दिल के अंदर घुस गया ना सर वो, और सर लागू होएगा सर वो जाते ही सर। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, ग्रेट, शाबाश। कि डायमंड बंद के बहुत बढ़िया, आप सबके लिए डायमंड की ब्लैक बेल्ट आज ही ऑर्डर हो जाएगी, आपको बताना है कब लेके आना है हमको आपके पास, ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई हो। एक कॉम्प्लीमेंट है सभी सरदारों के लिए, बोल चुके सर सर, एक कॉम्प्लीमेंट है सभी सरदारों के लिए, जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, जैसे नीति उसके सामने लगा दो अ तो हो जाता है अनीति, ऐसे होता है मान्य तो मान्य के सामने लगा दो अ, चलो तो अभी आपके साथ एक सेल्फी लेते हैं, अमान को सभी ला 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 ला
सरदारों के सामने अलगा के देखो, अलगाने के बाद भी हो जाते हैं असरदार। ये